हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन से रिलेटेड है। आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, आप फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं, यह बताइए कि आप किस दिशा में हैं। तो फ्रेंड्स बताइए इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन है उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर लेकर चलते हैं हम दक्षिण, यहाँ आता है हमारा पूरब, यहाँ पश्चिम और नीचे हमारा हो गया उत्तर। अब देखिए पहले क्या बोल रहा है, आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, तो ये हमारा डायरेक्शन है, अब हम पूरब की ओर जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये बोल रहा है दाएं मुड़ते हैं, तो हम दाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़ते हैं, अब यहाँ से खड़े होकर दाएं हमारा क्या हो गया, इस साइड हो गया पश्चिम साइड। फिर बोलते हैं कि दाएं बाएं मुड़ते हैं, तो ये हमारा दक्षिण साइड हो गया। अब बताइए आप किस दिशा में खड़े हैं। तो फ्रेंड्स इस डायरेक्शन से आप देखिए हम कहाँ पर खड़े हैं, तो इसका आंसर हो गया दक्षिण, ठीक है। आई होप आपका आंसर सही होगा। सेकेंड है नीना, अपने घर से 100 मीटर दक्षिण की ओर जाती है और बाएं मुड़कर 40 मीटर जाती है, फिर बाएं मुड़कर फिर 60 मीटर जाती है, अब वे अपने घर से किस दिशा में है। आंसर है, ऑप्शन है हमारे उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब। जल्दी बताइए इसका आंसर। ऊपर लेंगे हम दक्षिण, पूरब, पश्चिम और उत्तर। यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, नीना अपने घर से 100 मीटर गई दक्षिण की ओर, ठीक है। नीना अपने घर से 100 मीटर दक्षिण की ओर गई, फिर उसके बाद में बाएं मुड़कर 40 मीटर जाती है, ये हो गया 40 मीटर, फिर उसके बाद बाएं मुड़ी तो 60 मीटर हो गया। अब देखिए ये इसका घर है, घर से वो यहाँ खड़ी है, तो ये इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ये दक्षिण पूरब है, तो पूरब ये घर के ठीक सामने पूरब हो गया, ऊपर हो गया हमारा दक्षिण, तो ये कहाँ पर है, दक्षिण और पूरब के बीच में है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, दक्षिण और पूरब, फोर्थ हमारा आंसर है। अब है नेक्स्ट, मोहन एक बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, वहां से वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है और पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पश्चिम, उत्तर, पूरब, दक्षिण पश्चिम। ऊपर आ गया दक्षिण, पूरब, पश्चिम और उत्तर। चलिए सॉल्व करते हैं, पहले वो एक दक्षिण बिंदु की ओर 1 किलोमीटर जाता है, तो एक बिंदु हो गया, यहाँ से वो दक्षिण जा रहा है 1 किलोमीटर, फिर वह बोल रहा है कि वहां से वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से बाएं मुड़ा 1 किलोमीटर और फिर पुनः वो 1 किलोमीटर बाएं मुड़ता है, तो यहाँ से वो बाएं मुड़ेगा फिर 1 किलोमीटर, तो बताइए अब उसका डायरेक्शन क्या है। तो देखिए नीचे की साइड क्या है, उत्तर, तो उसका आंसर क्या हो गया, उत्तर, आपका आंसर सही होगा। अब हम डिस्कस करते हैं उपसर्ग के बारे में। सु उपसर्ग से निम्नलिखित शब्द नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। ऑप्शन है सुपात्र, सुंदर, सुकोमल, सुपाच्य। देखिए सबका यहाँ पर अलग अलग मीनिंग है, सुपात्र का अलग मीनिंग होता है, सुकोमल अलग है, सुपाच्य अलग है, लेकिन सुंदर को अलग अलग किया जाए तो उसका मीनिंग नहीं होता, तो यहाँ पे मीन वर्ड हमारा आंसर हो गया सुंदर। अब एक भिन्न से उपसर्ग से निम्नलिखित शब्द को अलग करें, बकायदा, बेवफा, बेडौल, बेकसूर। जल्दी बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर, इसका आंसर है बकायदा। फिर है हमारा भिन्न प्रत्यय प्रयोग से बने शब्द को पृथक करें, ओजस्वी, मायावी, विद्यार्थी, मेधावी। इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, इसका आंसर है विद्यार्थी। फिर है बद उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित है, बेरहम, बदहजमी, बदकिस्मत और बदनाम। इसका आंसर है फ्रेंड बेरहम। जलमय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, चा, मय, ईए, आए। फ्रेंड्स इसका आंसर है मय। अब हम बात करते हैं घुमक्कड़ शब्द से प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, अक्कड़, अक, अर, आर। तो आप देखिए घुमक्कड़ में ना अकारा, ना आर आ रहा, ना आकारा, अक्कड़ आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, अक्कड़।
आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होता है, ये मुहावरे हैं, बताइए। मनचाहे कार्य, गड़बड़ होना, मूर्खतापूर्ण कार्य, पूरी तरह से कोई काम ना होना। तो आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ होता है पूरी तरह कोई काम ना होना। फिर है अकेला चना भार नहीं फूटता का अर्थ क्या है, चने से भार नहीं फूटता, अकेला व्यक्ति बेकार होता है, अकेले कोई बड़ा काम करना असंभव नहीं, अकेला व्यक्ति लड़ नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, इसका आंसर है अकेला कोई काम करना संभव नहीं। एक अनाथ स्वाभिमान का अर्थ बताइए, एक वस्तु के अनेक चाहने वाले, एक वस्तु के कम चाहने वाले, मांग कम पूर्ति अधिक, और अनार का बंटवारा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। अब निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है, समताप मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो इसका आंसर है समताप मंडल। फिर है भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है, पूंजीवादी सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, साम्यवादी सरकार या लोकतांत्रिक सरकार। तो इसका आंसर है लोकतांत्रिक सरकार, हमारी जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे कुछ एमसीक्यूज बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।